जी लो अपने लिए और अपनों के लिए जी लो न्यूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीरो न्यूज़। वालदैन की इमा पर अपना घर ख़राब ना करने वाले को सरबानो और उसके शोहर मोहम्मद कासिम पर ज़मीन तंग कर दी गई। लड़की के वालदैन के साथ मिलकर ओबाश आसिफ गुज्जर ने जोड़े को नाजायज़ मुकदमात में फंसवाया। कस्बा गुजरात चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास भी इंसाफ के तकाजे भूल गए। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके कस्बा गुजरात के रहायशी कोसर बानो और इसके शोहर मोहम्मद कासिम ने बताया कि 3 साल कबल इनकी शादी हुई, मगर लड़की के वालदैन ओबाश नौजवान आसिफ गुजर की ईमा पर लड़की का घर तोड़ने में लगे हुए थे और कोसर बानो का घर बसने नहीं दे रहे थे। जोड़े ने बताया कोसर बानो के वालदैन ने काफ़ी अरसा इसको शोर से अलहदा करके अपने घर में महबूस बना रखा था। अब जबकि वो अपने शोर के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी तो कोसर बानो के वालदैन आसिफ गुजर की ईमा पर मुख्तलिफ झूठी और दरख्वास्तें और मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और तमाम मामलात से बखूबी वाकिफ होने के बावजूद कस्बा गुजरात चौकी इंचार्ज मोहम्मद इलियास भी शरपसंदों के साथ मिलकर अमन से घर बसाने वाले मियाँ बीवी को तंग करने में और हरासा करने में लगे हुए हैं। कोसर बानो इसके शोहर ने DPO मुजफ्फरगढ़ से तहफ्फुज और नाजायज मुकदमात का इखराज करने का मुतालबा किया। सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।